तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से लॉकडाउन आगे बढ़ाने की अपील की है। केसीआर ने कहा कि देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया जाए। तेलंगाना के सीएम का कहना है कि लोगों का जीवन बचाने के लिए ये जरूरी है। हालांकि आज दिन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के संकेत दिए थे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि उन इलाकों में विभागों को खोलने की श्रेणीबद्ध योजना तैयार करें जहां कोरोना महामारी का असर नहीं है। आई थिंक हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए, इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं। हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको हमारे अगर हम निग्लेक्ट करें, छोड़ दें तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें? आप एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए। जैसा मैं रख रहा हूँ, मेरा जो राय है मैं बता रहा हूँ, देश के सामने रख रहा हूँ। मैं नेशनल मीडिया मित्रों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको टेलीकास्ट करें, पूरे देश में चला जाए। तेलंगाना मुख्यमंत्री का ये राय है, ये मशवरा है, ये आइडिया है, ये सुझाव है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे। वो भी कह रहे थे जब भी सोचेंगे भैया इस पर, जो कि अब करना क्या 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 चाहिए, वो भी चिंतित है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है और वो कह रहे थे कि सभी से कंसल्ट करते हैं, फिर ये क्या है, ये 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं तो इसमें से निर्णय निकल आएगा। मैं समझता हूँ कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा। तेलंगाना में अभी तक कोरोना वायरस के 321 मामले मिले हैं। कोरोना वायरस से राज्य में अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस के अब तक 4,281 कंफर्म केस मिले हैं और अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना की अपील के बाद असम सरकार 14 अप्रैल को खत्म हो रहे 21 दिन के देशव्यापी बंद के बाद राज्य में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए परमिट व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 305 होने के बाद सरकार अलर्ट पर है। लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद खोले जाने की खबरों के बीच सरकार ने साफ किया कि तबलीगी जमात के मरीजों की संख्या आधे से भी ज्यादा है। ऐसे में संवेदनशीलता बढ़ने के कारण ये कहा नहीं जा सकता कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं। एक तरफ लॉकडाउन बढ़ाने की अपील है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद के हालात पर भी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार के एक दर्जन से अधिक सचिवों ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश भर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन के असर का मूल्यांकन और मांग पर भी चर्चा की गई। उदाहरण के लिए नागरिक उड्डयन के मामले में चर्चा की गई कि लॉकडाउन के बाद कितनी उड़ानों की जरूरत पड़ने वाली है।